आज तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन में लेंगे शपथ। आज शाम 7:30 बजे से शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। मंत्री पद की शपथ के लिए सामने आए संभावित नाम, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और पीयूष फिर बनेंगे मंत्री। अमित शाह के नाम पर सस्पेंस बरकरार। मंत्री पद के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और चिराग पासवान के नाम तय। जीतन राम मांझी और शिवराज को भी गया फोन। शपथ से पहले नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों से की मुलाकात। मंत्रिमंडल बंटवारे में सहयोगी दलों का दबदबा। टीडीपी के 4 तो जेडीयू के 3 सांसद बनाए जा सकते हैं मंत्री। एक एक सीट वाली जीतन राम मांझी और अनुप्रिया पटेल को भी मिलेगा मंत्री पद। शपथ ग्रहण समारोह पर कांग्रेस ने रुख किया साफ। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। कांग्रेस की बैठक में संसदीय दल की नेता चुनी गई सोनिया गांधी। राहुल बन सकते हैं सदन में विपक्ष के नेता। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक में बनी थी राहुल के नाम पर सहमति। शपथ ग्रहण पर आरजेडी नेता मीसा भारती का बयान, कहा लोगों को इकट्ठा कर बना रहे हैं सरकार। देश की जनता नहीं चाहती कि मोदी बने पीएम। नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले अखिलेश का ट्वीट, शायराना अंदाज में कही बात। लिखा, ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं। अधर में जो अटकी हुई है वो तो कोई सरकार नहीं। राहुल गांधी का ट्वीट, नीट घोटाले पर बोले, संसद में उठाऊंगा छात्रों की आवाज। आज T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला। रात 8 बजे से शुरू होगा मैच का प्रसारण। न्यूयॉर्क में खेला जाएगा मैच।